हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं है दूसरी पार्टी के, तो अभी कहना क्या है, वो प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी होंगे। अभी फिल्म जगत से भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि भाजपा को वोट मत दीजिए, ऐसे आगे क्या बात है, क्या कमी है? देखिए, हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए सबसे अहम रोल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का था, और अब उन लोगों की जो नैया है गर्व पे है माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार की वजह से, जिस तरीके से शिवसेना ने स्टैंड लिया महाराष्ट्र में, तो अभी वो लोग इसका विरोध करेंगे ही, उसमें कोई नई बात नहीं है। और जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने हमेशा हिंदू भावनाओं को ख़त्म करने के लिए, आहत करने के लिए कार्य किया है, वो अब कार्य वो नहीं कर पा रहे, उसी का कारण है कि वो विरोध पे उतरे। लेकिन सर, चुनाव या जात पात या धर्म के ऊपर नहीं होना चाहिए, चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से होना चाहिए, भारत के सभी जात धर्म के लोग एक माने जाते हैं। जाति और धर्म की बात कौन करते हैं, सार्वजनिक हो चुका है, भाजपा या शिवसेना ने कभी जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा, हिंदुत्व के नाम पर लड़ा है चुनाव। और सर, भाजपा का जो है माननीय प्रधानमंत्री का कहना यह है कि मैं 125 करोड़ जनता के लिए प्रधानमंत्री बना हूँ और 125 करोड़ जनता के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो जाति का निर्माण आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग पार्टियों ने सत्ता हासिल करने के लिए अलग अलग पार्टियाँ बनाई हैं और जाति के नाम पर वोट बांटते हैं, तो जातिवादी कौन फैला रहा है, ये आप लोग उन लोगों से पूछिए जो जातिवादी फैला रहे हैं। आगामी विधानसभा की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, सुनने में आया है जानकारी मिली है आप भी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, कोशिश वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से शिवसेना पार्टी से या चुनाव लड़ेंगे? शिवसेना, अभी वो वक्त होता है, तैयारी समझी जाए, तैयारी बिल्कुल है, 2021 की तैयारी उत्तर।